तो दादी वैसी दिख रही है कि अलग दिख रही है बताओ जरा? पर आज खूबसूरती में कुछ और चार लग गया, वापिस आ गई हमारी दादी। जी फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे। सो गाइस सुबह के बज रहे हैं 11, ठीक है, और मैंने सोचा दादी घर आई नहीं रही है, क्या हो गया, एंड मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी दादी आ चुकी है तो मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड आज आपको दादी का नया रूप दिखाते हैं, ठीक है, पहचानिएगा कि दादी के नए रूप में क्या है अलग। बैठो दादी, तो ये रही देखो दादी, ठीक है। तो दादी वैसी दिख रही है कि अलग दिख रही है बताओ जरा? जरा पहचानो दादी में क्या अलग दिख रहा है आज, बताना नहीं है, ठीक है, हम नहीं बताएंगे, बस आप लोग को पहचानना है कि आज दादी का क्या नया रूप है, क्या दादी में नया है ना, क्या अलग लग रही है दादी, कहाँ से अलग लग रही है, ठीक है। आज दादी सच में आप दादी नहीं लग रहे हो, सही में आप दादी नहीं लग रहे हो, कह रही हो। तो दोस्तों पहचानो जरा दादी में क्या अलग हो रखा है आज, ठीक है, दादी की खूबसूरती में क्या चार चांद लगे हैं, ठीक है। वैसे तो दादी वैसे ही खूबसूरत है, पर आज खूबसूरती में कुछ और चार चांद लगे। आलू की मम्मी को भी बुलाते हैं, ठीक है, सबको दिखाएंगे, ठीक है। हे भगवान, दादी सच में कह रहे हो 10 साल जवान लग रहे हो, भगवान कसम, कौन कहेगा आप करके? कोई नहीं कहेगा सच में आप हो। हाँ कैसे लग रहे हो? बहुत सुंदर लग रहे हो। रूप ही माला सजयों चा रूप कमयों चा पौड़ी तेरी गड़ो माँ अजो सारी जादू तेरी लट लियो माँ श्रीनगर की गंगा तेरी आँखियों माँ तेरु बकी बात रूप कमयो चा आ फूलों की घाटी तेरी कमर माँ। एक मिनट, आनू की मम्मी को बुलाते हैं, ठीक है, रुको। हाँ स्वेटर नहीं पहनोगे ठंडा ही तो लगेगा। आनू की मम्मी आओ आओ, देखो जरा दादी कुछ बोल रही थी तुमसे, सुनो। कल तुम बल चले गई बल मुझे छोड़ के, जब हम कल घूमने गए बल तुम मुझे क्यों नहीं ले गए बल तुम मुझे, बैठो दादी कुछ कह रही, बैठो ना दादी, एक गाना सुना दो। अच्छा क्या आनू की मम्मी, अच्छा क्या ये किसने लगाई, क्या ये दांत मेरे को अटैक पड़ने वाला था यहाँ पे, भगवान कसम क्या आई हूँ यार, एक दग 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 आ गया कौन आई हूँ भूत में। ये बताओ दादी अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी तो लग रही है ना, पर ऐसे ऐसे तुम डर गए? मैं डर गई, देखा लगना नहीं मिला। ये अब हमारी बुढ़िया दादी आ गई, ये हमारी बुढ़िया दादी आ गई, क्या करे, वापिस आ गई हमारी दादी। पर नहीं दादी, आप पहले से अगर रोज दांत लगाते ना आप बहुत सुंदर लगते हैं। आनू की मम्मी नहीं, सुनो, अगर दादी रोज दांत लगाती अच्छी लगती है? अच्छी लग रही है दादी ने। हे भगवान, दांत निकाल दिया देखो दादी ने। बाकी बात रूप कमायो चा ते मसारा गढ़वाल समय ले जाना, हाँ ठीक है दादी को, तेरो घास के लिए, घास के लिए कुछ काम करना ना, दांत ले ली जाना, दांत ले ली जाना, क्या ले जाना, भांडा धोने की, क्या खा लिया है, आएगी, हाँ आएगी, आएगी, कल कहाँ गए थे तुम, कल मैं तुम्हारे पीछे आई वहाँ पे, अब तो मेरी स्कूल तरफ चल गए, तो हम तो ऊपर गए ना फिर, जाओ ठीक है चार बजे।
ये तुम्हें ले जा रही है, आज मुझे नहीं ले जा रही है। क्यों ब्याह जाना आ रहे हो? तुम ले कहाँ जा रही है बताओ पहले। मुझे पराल बांधना नहीं आता है, कैसी लग रही थी दादी बताओ ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, ये डर गई मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। दादी पर मैं बताऊँ, सच बताओ, मैं विश्वास बताऊँ, अगर आप डेली दांत पहनते आप बहुत सुंदर दिखते। तेरी बहन का है आज, गंदा भाई है ये, अपनी बहन को छोड़ के आ जाता है। इधर आ मुशू, यहाँ पे आ, आना तो म्याओ म्याओ क्या हो रहा है फिर, इधर आ जल्दी आ। हाँ सब समझते हैं, अंदर चले जाऊंगी वहीं पे देखे रहेंगे कि कब खाना देगी। हमारी लाइफ पूरी इसी बिल्ली के साथ निकल जाने वाली है लग रहा है। देखो आ गई है, दोनों आई हैं, दे दे उनको, इधर को खाना दे दे। हमने बिन पाले हमारी पालतू बिल्ली हो गई। वो देखो तन्नु को देखो। तो गाइस तन्वी आ चुकी है स्कूल से, खाना ना खा लिया एंड इन लोगों के लिए मैंने रोटी रख दी। यहाँ पे रख दे, बीच में रख दे, और दोनों की दोनों बहन भाई बहन आ गए हैं, यहाँ रख दे, ले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, मेहमान में हमारे, खाओ खा लो, खाना खाओ, खाओ खाओ। बोले बीच तन्वी का प्यार, तन्वी का प्यार देखो, पर दोनों खाने देते हैं बेटा, जिस टाइम बिल्ली खाती है ना उस टाइम नहीं करते, वो काट देती हैं। पापा को करने दो, रहन दो, उनको खाने दो। देखो खाना का देखो तुमको, तो दोनों के लिए रोटी रख दी थी तन्वी, आज टिफिन से पूरा पराठा ऐसे बचा के लिए, तो पराठा डाला और मैंने जो सब्जी बनाई थी वो सब्जी मिक्स करके रख दिया, खा रही है। बेटा मत करो, काट देंगी ना तुम्हें, जब जिस दिन तुम्हें काटेंगी तो उस दिन पता चलेगा तुम्हें, तुम रोज परेशान कर रही हो ना उनको, खाते समय नहीं करते बेटा, खाने दो ना उन्हें। सो गाइस शाम के 6 बज चुके हैं एंड अभी अमित तो लोग आ चुके हैं, मुझे जो खाम सा लग गया आज दिन में, मेरे को नींद सी आ गई। हम तो जाने वाले थे आज की मम्मी के साथ कहीं। हाँ काम हो गया आपका, गुड मेरा बच्चा। हाँ ठीक है, तो अमित लोग आ चुके हैं ऑफिस से एंड तन्वी को ना बहुत दिनों से, जब से मैंने हाकर नूडल के पैकेट लेकर आ रही थी तब से उसको रखा था हाकर नूडल बनाओ हाकर नूडल बनाओ, आज उसने माना ही नहीं, तो अभी उन लोगों के लिए यहाँ पे बना है हाकर नूडल। अभी गर्म है, अभी सब करूँगी। आप ही खाओगे सारा, ये पूरा आप खा लोगे? हाँ सुबह भी ले जाऊंगा, टिफिन में ले जाएगा। ओके ओके थोड़ा बचा के रखो। ठीक है बचा के रखूंगी, जाओ वहीं लेकर आऊंगी, जाओ ठीक है बचा दूंगी, रख दूंगी। कह रही सुबह स्कूल के लिए जाऊंगी, बेटा सुबह तो स्कूल के लिए बासी हो जाएगा फिर अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, अभी खा लो गरम गरम, ठीक है ओके। सुबह तो ना सुबह तो वो बासी हो जाएगा, अभी खाओ आप, टेस्टी टेस्टी लगेगा। ये है अमित के लिए, उनको सब्जी में तो कैप्सिकम नहीं पसंद है पर चाउमीन होमिन में खा लेंगे, ठीक है। ये रहा अमित के लिए, तन्वी के लिए डालती हूँ और मेरे लिए, ठीक है, और गर्म गर्म खाते हैं। तो दोस्तों रात का डिनर हो चुका है एंड आजकल हम लोग बहुत जल्दी सो जा रहे हैं, जल्दी खाते हैं जल्दी सो जाते हैं, मतलब कभी कभी तो हम 8 बजे से पहले खा खू के सो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ठंडा हो रखा है, पता तो चलता नहीं कितना बज रहा है, क्या टाइम हो चुका है एंड भूख तो थी नहीं मुझे, बट जबरदस्ती जबरदस्ती एक रोटी खाई एंड तन्वी को भी बिल्कुल भूख नहीं थी, पर उसने पापा के साथ बैठी और उसे बटर पता नहीं क्यों पसंद था, बटर के साथ रोटी खाते खाते उसने अमित की रोटी भी खा दी। तो खाना वाना खा लिया है, बर्तन वर्तन धुल चुके हैं, नींद तो नहीं आ रही है आज, मैं थोड़ा सा दिन में मतलब कुछ घंटा आधा घंटा सोई होंगी तो मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, पर सो जाती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी उठूँगी। चने आने भिगा रखे हैं, उसको पकाने में टाइम लगता है इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। लाइक नीचे क्लिक करना, तब तक ले बाय, मिलते हैं। हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी आओ।